हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र राणा ट्रैवल विद हुक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहां हर साल लाखों लोग अलग अलग देशों से घूमने आते हैं, पर कुछ एक लोकल्स गलत ढंग से उन टूरिस्ट से पैसे चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही अनफेयर है और ये अच्छी बात नहीं है। तो आइए आज हम बात करते हैं पटाया के टॉप 5 हसल्स जो कभी ना कभी मेरे साथ, आपके साथ या हम में से किसी के साथ हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये आगे इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। नंबर 1 पे है बीच हसल। बीच हसल पे मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जब भी आप बीच पे जाते हो तो आप अपने साथ वैल्यूएबल थिंग्स, मीन जो भी आपका कीमती सामान है वो आप ना लेके जाएं। कीमती सामान में जैसे आपका पासपोर्ट, आप अपना कैश और गोल्ड, ये चीज़ें अपने साथ मत कैरी करें। बट एनी हो, अगर आपको कैरी करनी पड़ रही है तो उन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे सामने एक इंसिडेंट हुआ था। एक लोकल टूरिस्ट का हैंडबैग चुरा के भाग रहा था और जब उसी टूरिस्ट के दूसरा फ्रेंड सामने से आ रहा था, उसने उसे देख लिया चोर को भागते हुए, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसने रोकने की कोशिश की, उस चोर ने चाकू निकाल लिया और उसे डरा कर वहां से भाग गया। तो फिर टूरिस्ट से बात करके पता चला कि उस हैंडबैग में उसकी काफ़ी वैल्यूएबल थिंग्स, लाइक उसका काफ़ी कैश था उसमें, उसका पासपोर्ट था और होटल की कीस थी। तो फ्रेंड बी अलर्ट, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। और जो दूसरा इंसिडेंट है वो कोरल बीच का है। कोरल बीच पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, कुछ टूरिस्ट ड्रिंक करके बीच पे ही पी कर रहे थे। पी का मतलब वही सुसु कर रहे थे, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। पर जैसे ही वो कर रहे थे तो वहाँ पे लोकल थाई पुलिस ने उन्हें देख ली ये चीज़, और कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड होगी, और उन्हें पकड़ लिया। और उन्होंने पर पर्सन, पर टूरिस्ट को 5000 भात के हिसाब से फाइन कर दिया। फ्रेंड्स, कुछ टूरिस्ट अपनी मस्ती में ये भूल जाते हैं कि हमें मोस्ट ऑफ दी टूरिस्ट प्लेसेस पे, लाइक बीचेस पे और इवन सब जगह पे कैमरा लगे होते हैं, और हमें अपनी मस्ती में ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से एटलीस्ट हम पब्लिक प्रॉपर्टीज को ना ही वहाँ पे गंदगी फैलाएं और ना ही इनको डैमेज करें। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हसल की। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है टैक्सी हसल। अब आप थाईलैंड एयरपोर्ट से बाहर आ गए, ठीक है, और पटाया जाने के लिए आप टैक्सी देख रहे हैं, तो वो टैक्सी वाले नॉर्मली आपसे 1800 से 2000 भात मांगते हैं, जो कि नॉर्मल किराए से रफली डबल है। और अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली उसे नेगोशिएशन करते हो, नेगोशिएशन इन द टर्म्स मीन, अगर आप उन्हें बताते हो कि पटाया में एग्जैक्ट लोकेशन आपको मालूम है कि मुझे पटाया में यहाँ जाना है, दूसरी चीज आप उन्हें ऐसे बताते हो कि मैं पहले भी एयरपोर्ट से, बैंकॉक एयरपोर्ट से 2-3 बार पटाया जा चुका हूँ, तो 1000 भात तक बात बन सकती है और इसमें आप 3 से 4 लोग जा सकते हो। वही एयरपोर्ट के अंदर शटल सर्विस अवेलेबल होती हैं। शटल सर्विस में बस की टिकट मिलती है जो कि 120 भात पर पर्सन होती है, और जो कि टैक्सी के मुकाबले बहुत ही कम होती है। पर इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है कि जो शटल सर्विस है ये सिर्फ दिन में चलती है, ये रात में नहीं चलती, तो रात के टाइम आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, आप पटाया पहुंच गए और वहां पे आप अब घूमने के लिए निकल गए हो, तो अब आप पीपी मसाज या हनी मसाज, जहां हनी मसाज पार्लर जो वहां के नंबर 1 मसाज पार्लर में जाते हैं, वहां जाना चाह रहे हो, तो आपने डिसाइड किया कि टैक्सी कर लेते हैं। अब पटाया में मेनली 2 तरह की टैक्सी चलती है। फर्स्ट वन इज उसे बोलते हैं भात टैक्सी, जहाँ सोंगथू, ये जो टैक्सी है ये पटाया के अंदर चलती है। ये ब्लू कलर की, नीले रंग की टैक्सी होती है और बैक साइड से ओपन होती है, और इसमें बैक साइड में ओपन में आमने सामने ऐसे बेंच लगे होते हैं, और जहाँ आप बैठते हो वहीं वहाँ पे बेल का बटन लगा होता है। उसका पर्पज ये है कि अगर आप जहाँ रुकना चाहते हो आप बेल के बटन को दबा दो तो ड्राइवर आपको रोड के किनारे साइड पे गाड़ी लगा देगा और आप रोक लेगा, और वो पर पर्सन 10 भात चार्ज करते हैं 3 से 4 किलोमीटर के अंदर अंदर, बट अगर आपको ये चीज पता है।
वही दूसरी जो टैक्सी वहां पे मेनली चलती है वो चलती है क्लासिक टैक्सी। ये येलो ग्रीन या येलो ब्लू कलर की टैक्सीज होती हैं, तो एसी टैक्सी होती है। अब इन दोनों में से आपने कोई भी टैक्सी की साइकवार जाने के लिए, तो ये आपसे पर पर्सन 200 से 250 बात चार्ज कर सकते हैं। वही जाओ मसाज पार्लर वालों से इनकी सेटिंग होती है, मसाज पार्लर वाले इन्हें पर पर्सन के हिसाब से कमीशन देते हैं। और ये बात अगर आपको मालूम है तो आप देख लीजिए, आपको वो पर पर्सन 200 भा देने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको फ्री में ले जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 पे है मोटर टैक्सी हसल और जेट स्काई हसल। फ्रेंड्स, जब आप पटाया में मोटर बाइक आपको नॉर्मली एक दिन के लिए रेंट पे 200 से 250 भात के में मिल जाती है, इसमें वो साथ में आपको दो हेलमेट भी देते हैं। पर इसमें जो मेनली चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जब आप मोटर बाइक रेंट पे ले रहे हो उस समय आप उसकी कम से कम 2-3 एंगल से उसकी पिक्चर्स ले लें। पिक्चर्स लेने का पर्पस ये होता है कि उसमें अगर एग्जिस्टिंग कोई डेंट पड़ा हुआ है, कोई स्क्रैच पड़ा हुआ है, तो आप मोटर बाइक के ओनर को ये चीज दिखा सकते हैं, क्योंकि वो मोटर बाइक के अगेंस्ट आपका पासपोर्ट रख लेते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और होता क्या है, जब आप मोटर बाइक उन्हें वापस करते हैं तो वो आपसे 1000 भात से 2000 भात एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, ये दिखा के कि ये देखिए कि ये डेंट आपने डाल दिए हैं, जहां ये स्क्रैच पड़ गया है, अगर आपने ये स्नैप्स पहले नहीं ली, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और सेम जेट स्काई असल भी ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है, जेट स्काई जिसे हम वाटर स्कूटर बोलते हैं, तो होता क्या है कि एक्साइटमेंट में आप उसकी स्नैप्स लेना भूल जाते हैं, और जब आप राइड लेके आते हैं वापस तो उन्हें रिटर्न करते हैं तो वो बताते हैं कि ये देखिए आपने डैमेज कर दिया, मीन आपने यहाँ पे स्क्रैच डाल दिया जहाँ डेंट पड़ गया जो कि पहले से ही पड़ा हुआ है। इस डेंट और स्क्रैच के अगेंस्ट वो आपसे 2000 से 5000 भाग तक आपसे डिमांड कर सकते हैं। और अगर आपने उन्हें ये देने से मना कर दिया तो वो वायलेंट हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। और कहीं अगर आपने गलती से पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं इन दोनों केसेस में मोटर बाइक और स्काई बाइक में स्काई स्कूटर में आपको यही एडवाइस करूंगा कि अच्छे से 2-3 एंगल से उसकी स्नैप्स ले ली जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और स्काई जेट स्कूटर में आप एक चीज और कर सकते हैं कि जब आप राइड के लिए जा रहे हैं तो जो स्काई जेट का ओनर है उसको अपने पीछे बिठा के राइड में साथ लेके जाए ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये जो स्कैम है या जो ये हसल है हर किसी के साथ होता है, अगर 100 में से 10% केसेस में ये हो सकता है। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे है रशियन बास हसल। फ्रेंड्स, पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट में जो वहां का नंबर 1 डिस्कोथीक है वो है नशा डिस्कोथीक, जो कि इंडियंस की लिस्ट पे सबसे टॉप पे आता है। आइए नशा डिस्कोथीक की आपके साथ एक दो वीडियो क्लिप्स शेयर करते हैं। आपको बताकर इंसिस्ट करते हैं कि आप कम से कम एक बार इस बार में जरूर जाए, और
जैसे ही आप इस बार में एंटर करते हैं, इन बार्स में बहुत अंधेरा होता है, मीन बहुत ही लो लाइट होती है, और आप जाके जहां पे बैठते हैं वहीं आपके पास दो तीन टॉल लंबी गुड लुकिंग ब्यूटीफुल गर्ल रशियन गर्ल्स आके आपके पास बैठ जाती हैं और बातचीत करना शुरू कर देती हैं, और बार का मेनू आपको ऑफर करके कहती है कि कुछ ड्रिंक ऑर्डर कीजिए। और जैसे ही आप अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो वो रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज हमारे लिए भी एक ड्रिंक ऑर्डर कर दीजिए, और जो आप ड्रिंक उनके लिए ऑर्डर करते हैं वो 400 भात की होती है एक ड्रिंक। और होता क्या है कि अगर तो आपने जब ऑर्डर कर रहे हैं तो अच्छे से उनके रेट्स चेक कर लिए, फिर तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होता, और अगर आपने एक दो पैक ले लिए, एक दो ड्रिंक ले लिए और उसके बाद आप बादशाहों वाली फीलिंग ले गए और आप सोच रहे हैं कि ठीक है ऑर्डर आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक लंबा चौड़ा बिल पे करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि इन बार में ड्रिंक के रेट बाहर से रफली 3 गुना होते हैं। मीन्स अगर आप कोई बियर बाहर से 60 बात की मिल रही है तो अंदर वो आपको 180 या 200 बात की मिलेगी। तो और बाकी एक चीज और, इन ये बार्स प्राइवेट डांस शो ऑफर करते हैं जो कि 10 से 20 मिनट का होता है, और उसके लिए 3000 भाव चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स ये टोटली वेस्टेज ऑफ मनी होती है, सो मैं आपसे क्लियरली रिकमेंड करूंगा ये टोटली नो होता है कि आप इसे बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं अब पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है लेडी बॉय हसल। फ्रेंड्स हम में से बहुत से लोगों ने लेडी बॉय के बारे में सुन रखा होता है, देख रखा होता है, जहाँ कई बार क्या होता है कि हम देख कर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। तो आइए मैं कुछ एक फैक्ट्स लेडी बॉयज के बारे में आपसे शेयर करता हूँ। दे आर वेरी टॉल गुड लुकिंग और वेरी वेल मेंटेन फिगर लाइक सुपर मॉडल्स। और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन लेडी बॉय है। जो पहली चीज है वो उनकी हाइट। यस आप किसी भी लेडी बॉय को आसानी से पहचान सकते हैं उसकी हाइट से, क्योंकि इनकी जो हाइट होती है वो नॉर्मली 5 फुट 8 इंच से लेकर 6 फुट तक होती है, जैसे कि आप इस स्नैप में देख रहे हैं। और दूसरी चीज होती है वे ऑफ वॉकिंग, उनका चलने का तरीका। जब कोई लेडी बॉय चल रहा है तो आप दूर से ही आप पहचान लेंगे कि ये लेडी बॉय है। और थर्ड चीज होती है उनकी वे ऑफ टॉकिंग, ये मेन चीज है। जब भी वो आपसे बात करेंगे तो बहुत स्लो पिच में, बड़ी स्लो आवाज में आपसे बात करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर गर्ल्स, मीन जैसे बाकी गर्ल्स बात करती हैं। और कहीं वो अगर वो लाउडली बात कर रहे हैं, जो आपस में लाउडली बात कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये लेडी बॉय है। सो होप मैं फ्रेंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये पांचों फैक्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये आपके लिए फायदेमंद सी होंगे इन फ्यूचर जहां भी आप ट्रेवल करने जाते हो, मेनली अगर पटाया में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।